श्री नरेश अग्रवाल जी, मंच पर उपस्थित श्री उमेश मोदी जी, ब्रजेश शुक्ला जी, अशोक अग्रवाल जी, सतनाम सिंह सेठी जी, आनंद अग्रवाल जी, सुधीर कुमार सिद्धू जी, मुकेश अग्रवाल जी, अमित अग्रवाल जी, विनोद अग्रवाल जी, सुरेंद्र अग्रवाल जी, प्रदेश के कोने कोने से उपस्थित भाइयों बहनों, प्रदेश की राजधानी में सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब जानते हैं कि भारत की दशा को दुनिया के सामने मजबूती से बदलने और वैश्विक मंच पर भारत को एक श्रेष्ठ और समृद्ध भारत के रूप में प्रस्तुत करने का जो कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा, आज उसके परिणाम हम सबको देखने को मिल रहे हैं। आज जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जिसमें भारत का परचम न लहरा रहा हो। देश के अंदर आंतरिक या बाह्य सुरक्षा के मोर्चे हो, देश के अंदर आम जन के मन में एक विश्वास हो, गरीब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने का कार्यक्रम हो, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के माध्यम से नए भारत और समृद्ध भारत की इस तस्वीर को दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हो, या भाइयों बहनों दुनिया के मंच पर भारत की जोरदार और धमकदार पहचान को आगे बढ़ाने का हो। मैं अभिनंदन करूंगा माननीय श्री पीयूष गोयल जी मंच पर आए हैं, एक बार जोरदार करता हूं धनी का स्वागत कर लें। नितिन भैया, पीयूष जी इस मंच पर आए हैं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में पधारने पर, मैं उनका प्रदेश शासन की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। पीयूष जी पेशे से चार्टर्ड हैं, आपके शरीर हर एक व्यक्ति का जो है वो जानते हैं कि कैसे बिजनेस होता है, और इसलिए आज उनका मार्गदर्शन यहां पर प्राप्त होगा। मैं पीयूष गोयल मंच पर पहुंचे, वो अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों से में से समय निकाल करके आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, और उनका आगमन प्रदेश के लिए, आप सभी के लिए मंगलमय हो, इस दृश्य अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं इस अवसर पर आप सबको, पीयूष जी को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, खासतौर पर नरेश जी को हृदय से मैं धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों बहनों, जो ये पहचान देश को मिली है, ये इसलिए मिली है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को एक दृष्टि दी है, भारतीय दृष्टि। ये 1947 में अगर इस प्रकार का यशस्वी नेतृत्व भारत के पास होता
तो भाइयों बहनों, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश होता है, दुनिया की सबसे बड़ी सामरिक और सबसे बड़ी आर्थिक ताकत होती है, और उसका ताजा उदाहरण हमारे सामने है कोरोना महामारी के दौरान। कोरोना महामारी में हम सब ने इस बात को महसूस किया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोरोना प्रबंधन का कार्य पूरे देश ने जिस प्रभावी ढंग से किया, अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है। दुनिया के विकसित देशों के लिए कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि भले ही भारत आर्थिक रूप से अमेरिका के समकक्ष न हो, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अमेरिका जैसा न हो, लेकिन जितना भारत ने अपने देश की जनता के लिए कोरोना कालखंड में, चाहे वह प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का हो, चाहे वह जनधन अकाउंटधारी महिलाओं को अतिरिक्त धनराशि देने का हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में हर किसान के खाते में पैसे देने का मामला रहा हो, या फिर आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से भारत के परंपरागत उद्यम को पुनर्जीवित करने का मामला रहा हो, जिस प्रतिबद्धता के साथ भारत ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं। लेकिन साथ साथ न केवल उपचार टेस्ट फ्री, खाद्यान्न भी फ्री और भाइयों बहनों वैक्सीन भी फ्री। हर एक व्यक्ति के लिए वैक्सीन के लक्ष्य को उपलब्ध कराते हुए पहली बार भारत ने किसी महामारी के खिलाफ वैक्सीन बनाया। और लगातार भारत इस कार्यक्रम को लेकर के आगे बढ़ रहा है, ये पहली बार हुआ। कल्पना करिए 2014 के पहले अगर ये महामारी आई होती क्या होता। भाइयों बहनों, इसीलिए आज हम सब आपके बीच में आए हैं। आपने 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के रणनीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में समर्थन किया, सहयोग किया। और भाइयों बहनों, पिछले 4.5 वर्ष से अधिक का कार्यकाल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार का संपन्न हुआ है। आपने देखा होगा प्रदेश के अंदर प्रदेश की जो सबसे खराब स्थिति होती थी वह प्रदेश के अंदर भय का माहौल होता था। पर्व और त्योहार आते थे, दंगे शुरू हो जाते थे, प्रदेश के अंदर गुंडा टैक्स वसूला जाता था, अराजकता का एक वातावरण था, अव्यवस्था थी। लेकिन आज 4.5 वर्ष हो गए, प्रदेश के अंदर कोई दंगा फसाद नहीं, कोई दंगा नहीं, और सबको मालूम है दंगा करेंगे तो 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगे, लेकिन दंगों के द्वारा हुए किसी भी व्यापारी या किसी भी शासकीय नुकसान की भरपाई कभी नहीं कर, और इसलिए सभी दंगाई इस समय चुप बैठे हैं। जो पेशेवर अपराधी और माफिया थे, नरेश जी की उम्र काफी है, उनको याद होगा 1991 में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष से नंद गोपाल रूंगटा काशी में थे, वाराणसी में थे, निर्मम हत्या कर दी गई, अपहरण हुआ, 1.25 करोड़ रुपए फिरौती भी लिया गया और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई। आज किसी माफिया का दुस्साहस है? आज किसी माफिया में इतना दुस्साहस नहीं कि कुछ कर सके। अभी मैं केराना गया था, अभी मैं पिछले सप्ताह गया था, 2000 पहले केराना और कांगला की क्या स्थिति थी,
सभी लोग पलायन कर गए थे। किराना कभी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख मार्केट माना जाता था, पलायन हो गया था। एक छोटी सी बच्ची मुझे मिली वहां पर, क्या था, मैंने कहा मैं जो परिवार भाग गए थे वापस आए हैं उसी परिवार में मैं भोजन लूंगा दोपहर का। और जब मैंने उस बच्ची से पूछा, पांचवी क्लास की बच्ची थी, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा बेटी तुम्हें डर तो नहीं लगता स्कूल जाने में? कह रहे साहब अब आप है ना, हम कैसे क्यों डरेंगे, अब डरेंगे तो अपराध ही करना है। जिंदाबाद भाइयों बहनों, प्रदेश के अंदर यह माहौल देने में हम क्यों सफल हुए? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है और अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत जो भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में आपके सामने वायदा किया था उसको भारतीय जनता पार्टी अक्सर सह लागू करने का कार्य कर रही है। इसलिए आज प्रदेश भय मुक्त है, दंगा मुक्त है, अपराध मुक्त है, भ्रष्टाचार मुक्त है और विकास की गतिविधि भी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आज उत्तर प्रदेश आप सबकी मेहनत और आपके पुरुषार्थ से देश की नंबर दो की अर्थव्यवस्था बन चुकी है। नंबर दो की अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश बना है। इससे पहले क्या स्थिति थी? हम छठे सातवें नंबर पर थे। लेकिन जब इस चीजें एक साथ जुड़ती है तो रोजगार भी सृजन होता है, ढेर सारी संभावनाएं आगे बढ़ती है। और प्रदेश सरकार ने भी रिकॉर्ड मात्रा में अब जीएसटी कलेक्शन के साथ ही यह भी व्यवस्था दी कि व्यापार बोर्ड के साथ हम लोगों ने इस बात को कहा है हर उस रजिस्टर्ड व्यापारी को 10 लाख रुपए का हम लोग सुरक्षा बीमा का कवर भी उपलब्ध करवाएंगे और प्रदेश में इसको पूरी मजबूती के साथ लागू किया। भाइयों बहनों, सुरक्षा, बेहतर कानून व्यवस्था की इस स्थिति में आज जब तकनीक का प्रयोग करने के बारे में, जिसके बारे में प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर आग्रह करते हैं, आग्रही बनाते हैं पूरे देश को, आज उसका परिणाम है विंडो प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा नेटवर्क आज उत्तर प्रदेश के पास है। निवेश करने वाले किसी भी उद्यमी और व्यापारी के लिए उस प्रकार की सुविधा उत्तर प्रदेश उपलब्ध करवा रही है। जब अनुकूल वातावरण हर एक स्तर पर होता है, केंद्र और प्रदेश सरकार जब मिलकर के एक साथ कार्य करती है तो डबल इंजन की सरकार का लाभ आम जन के जीवन में परिवर्तन करता हुआ दिखाई देता है। और आज भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने 4.5 वर्ष के अंदर तमाम चुनौतियों को का सामना करते हुए जो तय किया है उसके पीछे आप सबका सहयोग और इस बदलते हुए उत्तर प्रदेश को नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में बदलने में भी हमें मदद मिली है। और इसीलिए भाइयों बहनों, आज के अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, आज पर्व और त्योहार में कोई व्यवधान नहीं। मुझे याद है पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान आए, जो यहाँ पर व्यापारी आए होंगे, जो वैश्य समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पर हैं मंच पर हमारे मुरादाबाद के मेयर भी हैं, मेरठ से हमारे पूर्व विधायक भी हैं और भी हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। याद करिए जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती थी, रोक लगा दी जाती थी, नहीं निकलने दिया जाता था। 2017 में भी नहीं आया था, जब मैं जैसे आया तो जुलाई में मेरे सामने आया कि साहब कावड़ यात्रा को रोकने के लिए, तो मैंने कहा भी हम रोकने के लिए नहीं आए हैं, कावड़ यात्रा क्यों रुकेगी? कहा साहब कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार होने ही दीजिए, कावड़ यात्रा को पूरा निकालिए, धूमधाम से निकालिए और पूरी यात्रा निकलेगी नहीं, शासकीय हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा भी करवाएंगे और आप करेंगे। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग निकलते हैं, कहीं तिनका नहीं हिलता। प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा, प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक लाभ जिन लोगों ने लिया उसमें से नंदी जी भी हैं, उनका व्यापार खूब फला फुला वहां पे। और सचमुच मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था, हमारे लिए अध्ययन का एक विषय भी था कि भाई 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में,
तो प्रयागराज में इन श्रद्धालुओं के आने से हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ा है? अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कोई ऐसा व्यक्ति प्रयागराज का नहीं रहा होगा, नाविक से लेकर के और वहां का कोई बड़ा उद्यमी जिसने अपनी सेवाएं कुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को न दी हो और वहां के व्यवसाय को बढ़ाने और बदलने में मदद न की हो। यह परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन, बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, इतना भव्य दिव्य था, दुनिया पर्यटक भी आएंगे। ये माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग एक नए रोजगार के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लक्ष्मी गणेश की प्रतिमा के लिए हमें चीन पे निर्भर रहना पड़ता था, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जो किसान आए, जो यहाँ पर व्यापारी आए होंगे, जो वैश्य समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधि आए हैं, यहाँ पर हैं मंच पर हमारे मुरादाबाद के मेयर भी हैं, हमारे पूर्व विधायक भी हैं और भी हमारे तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। याद करिए जब सावन के महीने में कावड़ यात्रा निकलती थी, रोक लगा दी जाती थी, नहीं निकलने दिया जाता था। 2017 में भी नहीं आया था, जब मैं जैसे आया तो जुलाई में मेरे सामने आया कि साहब कावड़ यात्रा को रोकने के लिए, तो मैंने कहा भी हम रोकने के लिए नहीं आए हैं, कावड़ यात्रा क्यों रुकेगी? कहा साहब कानून व्यवस्था का संकट खड़ा हो जाएगा। मैंने कहा एक बार होने ही दीजिए, कावड़ यात्रा को पूरा निकालिए, धूमधाम से निकालिए और पूरी यात्रा निकलेगी नहीं, शासकीय हेलीकॉप्टर से हम पुष्प वर्षा भी करवाएंगे और आप करेंगे। आपने देखा होगा कावड़ यात्रा में 4 करोड़ लोग निकलते हैं, कहीं तिनका नहीं हिलता। प्रयागराज कुंभ को आपने देखा होगा, प्रयागराज कुंभ का सर्वाधिक लाभ जिन लोगों ने लिया उसमें से नंदी जी भी है, उनका व्यापार खूब फला फुला वहां पे। और सचमुच मैं उनसे इस बारे में पूछ रहा था, हमारे लिए अध्ययन का एक विषय भी था कि भाई 24 करोड़ श्रद्धालु आए हैं प्रयागराज में, तो प्रयागराज में इन श्रद्धालुओं के आने से हमारी इकोनॉमी पर असर क्या पड़ा है? अभूतपूर्व परिवर्तन आया। कोई ऐसा व्यक्ति प्रयागराज का नहीं रहा होगा, नाविक से लेकर के और वहां का कोई बड़ा उद्यमी जिसने अपनी सेवाएं कुंभ के अवसर पर आने वाले श्रद्धालुओं को न दी हो और वहां के व्यवसाय को बढ़ाने और बदलने में मदद न की हो। यह परिवर्तन होता है, बहुत परिवर्तन, बहुत असर पड़ता है। अभी आपने देखा होगा दीपोत्सव का कार्यक्रम अयोध्या में हुआ, इतना भव्य दिव्य था, दुनिया पर्यटक भी आएंगे। ये माटी कला बोर्ड से जुड़े हुए कुम्हार और प्रजापति समाज से जुड़े हुए लोग एक नए रोजगार